गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे फिर से पियू खूब सारी मस्ती तो करेंगे, वो तो अलग चीज है। मैं चलता हूँ विवेक के यहाँ, कुछ काम है वहाँ पे भी और कुछ उससे यूट्यूब के बारे में पूछना भी है क्योंकि उसको काफी जानकारी है यूट्यूब के बारे में, तो उससे कुछ पूछते हैं और चलते हैं विवेक के यहाँ और फिर आएंगे। फिर कहाँ जाएंगे पियू? तो आता हूँ मैं पहले वहाँ से, मिलाता हूँ मैं आपको। कुछ भाई अपने काम वाम करें। क्या नाम है भाई आपका? अमन। अमन भाई, बाकी एक दूसरे क्या नाम है आपका? कुछ काम वाम चल रहा है भाई, तो तगड़ा जुगाड़ है भाई का। लेते हैं कुछ यूट्यूब की जानकारी क्योंकि भाई हमारे 2016 थे ना यूट्यूब पे। कब है? 2018 से YouTube पे कंटिन्यू है, 2016 से मतलब थे फिर चले जाते थे, तो काफी YouTube के बारे में नॉलेज है और है भाई, तो लेते हैं जानकारी। तो भाई और हाँ, और एक और चीज है भाई का चैनल है स्टॉक मार्केट, विवेक राणा स्टॉक है ना? हाँ, तो विवेक राणा स्टॉक है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक करना। गजब के स्टॉक वगैरह के मार्केट वीडियो रहते हैं, जिसको इंटरेस्ट है वही जाना और जिसको नहीं है इंटरेस्ट वो भी चले जाते हैं। तो विवेक भाई और बताओ, टैग वगैरह कुछ इस टाइप का? या फिर टैग के लिए बहुत सिंपल है, दो तरीके है, एक है गूगल सर्च, ठीक है ना, मतलब तीन तरीके है ना। गूगल सर्च जो नीचे लास्ट में आता है वहां से आप टैग ले सकते हो। एक है आपका गूगल ट्रेंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक है तीसरा जो गूगल का खुद का फ्री टूल है, इसका बोलते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर, उसको बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च, कि किस टॉपिक के ऊपर। तो गूगल ट्रेंड्स हम देख लेंगे, एंड अगर आपको कीवर्ड चाहिए, बेसिकली कुछ कीवर्ड चाहिए, टॉपिक चाहिए, तो आप कीवर्ड प्लानर के लिए चाहिए। तो इन सबको मैच करने के बाद एक आप अच्छा टॉपिक सर्च मार सकते हैं। आपका एजुकेशन क्या है तो कम से कम 3 या 4 तो डालिए, लेकिन अगर आपका डेली है क्योंकि स्टॉक यहाँ पर क्या है ना, यूट्यूब में आप जितना ज्यादा अपलोड करोगे दो चीजें होती है, या तो क्वांटिटी या क्वालिटी। तो शुरू में आप क्वालिटी में काम ना करते हो, क्वांटिटी के ऊपर काम करो, ये मेरी थिंकिंग है। जैसे मैंने ग्रो किया पैसे ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो जब आपका पैसा थोड़ा बनने लग जाए, देन अगेन आप क्वालिटी के ऊपर फोकस कर सकते हो। तो भाई ने तो बता दिया ये सारा चीज इम्पोर्टेंट है क्योंकि भाई तो काफी एक्सपीरियंस है। तो भाई का दूसरा काम है शेयर मार्केट का, जो है सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना भाई। तो भाई उसमें बनाते बहुत टाइम लग गया सीखने में, उसमें भाई बनाते हैं तगड़ा माल। तो पूछते भाई के बारे में, भाई शेयर मार्केट बताओ कुछ हमारे सब्सक्राइबर को, कुछ टिप्स वगैरह। टिप्स लाइक कैसे? टिप्स राकेश जुनूला का जानते हैं आप लोग? तो जो उसको बिगफुट बोला जाता है इंडिया का, तो उनका एक बोलना है कि अगर मैं आपको कोई शेयर बोलूंगा ना कि इसको बाय कर लो, तो आप लोग ना बाय नहीं करोगे, ये गारंटी है। क्योंकि कोई किसी के लिए कोई काम नहीं करता है, अगर करते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। आप ये काम करिए कि देखो मैं जितना मुझे नॉलेज कहता है मैंने सीखा है, स्टॉक मार्केट लॉस होगा वो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आप ये समझो कि कोई बिजनेस करने के लिए आपको कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है, तो स्टॉक मार्केट में भी जो आपका लॉस है वो कैपिटल है। तो आप क्या करिए, आप 1000 रुपए से, और ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, मात्र 100 रुपए से, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप धीरे धीरे करके आपका काम करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है मनी मैनेजमेंट, जिसके बारे में मुझे आई थिंक 6-7-5 साल तो हो गया है ना, लेकिन 2 साल से मैं रेगुलर सीख रहा हूँ। तो शुरू के 3 साल तो मुझे पता ही नहीं था कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कि कितना लॉस लेके जाना है इंट्राडे अगर कर रहे हो, जिसकी सजेस्ट रिकमेंड मैं नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट में आपको ये देखना पड़ेगा कि किस स्टॉक को सिलेक्ट करना है और कितना इन्वेस्टमेंट स्टॉक में डालना है। अब मान के चलो अगर आपका 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स है, ब्लू चिप स्टॉक्स है, रिलायंस, टीसीएस, लगातार प्रॉफिटेबल बिजनेस में। तो आप यहाँ करो पहले काम, सेव करो, है ना, ये आपको FDRD से 10 गुना रिटर्न दे देंगे, 10x, और साथ में डिविडेंड तो हर साल दे रहे हैं अच्छा। तो मैं ये बोलूंगा कि आप लार्ज कैप को सजेस्ट पहले चूज करो, देन आप धीरे धीरे करके स्मॉल कैप मिड कैप में आओ, फिर पेनी स्टॉक भी देखो भाई। मेरे हिसाब से मैं तो डेफिनेटली बोलूंगा पेनी स्टॉक को एक बार करना जरूर, ठीक है। उसके बाद डे ट्रेडिंग के लिए आपको सिस्टम में बैठना पड़ता है, अगर सिस्टम में बैठ सकते हो तो आप करना, नहीं बैठ सकते तो ये इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा फोकस करना। तो वो है, और बाकी मैं भाई का चैनल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट करना, काफी अच्छे अच्छे स्टॉक बारे में जानकारी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप देखना जरूर। एक चीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगा वो ये है दोस्तों, देखो यार होता क्या ना स्टॉक मार्केट में ना, किसी दोस्त के कहने में पैसा डालते हैं, ठीक है। मान लीजिए तो पैसे मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ, मुझे भी लॉस हुआ है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था कि ये ना पूरा लक बेस्ड गेम है, मतलब आपकी राशि क्या है ये सब मैं ठीक करता था, समझ रहे हो। लेकिन उस समय मुझे
स्टॉक मार्केट के बारे में एक रुपए की नॉलेज नहीं थी, ठीक है, कि किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, कुछ नहीं था, राइट। तो मैं प्योरली लक बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा था, इन्वेस्टमेंट कर रहा था, जैसे कि टीवी वालों ने बोल दिया, मैंने बाय सेल कर लिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना, मनी मैनेजमेंट के बारे में कुछ पता नहीं था। अरे दोस्तों देखिए, स्टॉक मार्केट में आप 100 रुपए से अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 100 रुपए से अकाउंट खुल जाता है, आप अगले दिन ही ट्रेड पे सकते हो, बाय सेल कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो ये ऐसा बिजनेस है जिसको करने के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर आप डॉक्टर बनते हो, या आप SBI में गवर्नमेंट जॉब की अप्लाई करते हो, या कोई भी अपार्ट फ्रॉम यू नो अलग अदर प्रोफेशन, तो आपको कम से कम 4 से 5 साल का स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में बस 200 रुपए का ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाओ और आप एक्सपर्ट बन गए, जो एकदम गलत थिंकिंग है। तो आपको पहले यहाँ पर लर्निंग करनी पड़ेगी, तब लर्निंग से आपको एल हटाना पड़ेगा, तब वो अर्निंग में कन्वर्ट होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टॉक मार्केट में पेशेंस जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी अगर देखो 2 साल अगर मैं झक मारा है, मैंने झक नहीं बोलूंगा, उसको इन्वेस्टमेंट बोलूंगा अपना, क्योंकि मुझे पता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जो लॉन्ग टर्म चल सकता है। आपको पता है कि अभी कोरोना कोविड आया था 2020 में, तो उस समय मात्र एक ही बिजनेस वर्क कर रहा था, वो है स्टॉक मार्केट का, ठीक है। और ऑनलाइन बिजनेस काम कर रहे थे Amazon, लेकिन Amazon भी आपको पता है पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, मतलब उसका स्टॉक मार्केट में स्टॉक है, समझ गया। तो एक ही बिजनेस काम कर रहा था कोरोना वायरस में, उसका स्टॉक मार्केट। तो भाई मेरे हिसाब से अच्छा बिजनेस हो नहीं सकता, लेकिन हाँ टाइम देना पड़ता है, पैसा डालना पड़ता है, और सबसे इम्पोर्ट आपको सीखना पड़ता है। अगर ये सब काम कर लोगे तो डेफिनेटली ग्रो करोगे, अदरवाइज आप ही मेरे दोस्तों की तरह बोलोगे, अरे यार मैंने एक बार 5 रुपए डाले थे तो डूब गए। तो भाई ऐसे हिम्मत करना, कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई जब मिलता था तो स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा हम ध्यान नहीं देते, लेकिन अब पता चलता है भाई सही बोलता था। बाकी डीएम इंस्टाग्राम पे भी लिख देते, अगर भाई से कुछ भी स्टॉक मार्केट पूछो तो डीएम करना डायरेक्ट, इंस्टाग्राम चैनल है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करना और जरूर पूछना भाई से, सीधा डीएम करना भाई, जो सब्सक्राइब बस मिल जाएगा आपको भाई, जानकारी तो ले ली। और भाई कुछ भी हो तो बता दोगे तो मुझे, और जरूर पूछना कुछ भी हो भाई, काफी जानकारी दिखने में ऐसे लगते हैं बहुत तगड़ा बंदा है ये, काफी सारा ज्ञान आप भी लेना यार, बताता नहीं है ये मेरा छुपा रुस्तम, नहीं तो खोद खोद के ज्ञान लेना पड़ता है। बाकी चलते हैं, और ये अपने भाई सब काम वाम कर रहे हैं, देखा बंदे ने ऑफिस ऑफिस लगा लिया, बताया अभी नहीं, चले भाई बाय बाय। चलो भाई ये अपने भाई सब काम कर रहे हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करते, हम निकलते हैं घर, ठीक है भैया। भाई टाइम हो चुका, मिलते हैं फिर 2:52। तो अब खाते हैं खाना, खाना बन गया, हाँ। तो लगाओ खाना और खाते हैं खाना, और फिर निकलते हैं छत पे, देखते हैं मम्मी और पीयू छत पे क्या कर रही है, फिर इसके बाद निकलेंगे गाड़ी की टेस्टिंग करने के लिए, जो अल्टरनेटर हमारा रिपेयर हुआ है, देखते पीयू लगता है नीचे आ रही है क्या, देखते इसको, भूख लग, खाना ले आ, नीचे तो ऊपर खिला दी दे, मैं खाना ले क्या हूँ, बोलो ले आ, मैं खाना ले क्या आता हूँ, बोलो पापा खाना दे, सही ले आ, भूख लग कहल के बाद, ठीक है मैं आपको खाना लेके आता हूँ, ऊपर ही जाओ, बोलो ठीक है, चलो चलो आप थोड़ी देर बैठो ऊपर, ठीक है, ओके। यही पियो खाना, हाँ चम्मच ले लेते हैं, पीओ चलता है, गिनने के लिए बच गया, बच गया, बच गया, जा रहा हूँ ऊपर लेके खाना, ठीक है चलते हैं पीओ का खाना लेकर ऊपर। लो आपका खाना, पानी में लाया वो रहा ना, पानी आपको बोतल में है ना, पानी। अच्छा बैठ जाओ, मैं यहाँ पे, अच्छा बैठ गया मैं, ठीक है लो खोल ले, ठीक है। टुक टुक अपना खा रही है खाना, पीयू जा रही है कबूतर पकड़ने, तो खा लिया है, अब चलते हैं गाड़ी की लेते हैं टेस्ट ड्राइव, जो ऑर्डिनरी रिपेयर, तो आ गए अपनी गाड़ी के पास, ये वाला साइन देख रहे होंगे आप, ये वाला साइन जो है ना, ये गाड़ी स्टार्ट करते समय चला जाना चाहिए, अगर नहीं जाएगा तो आपकी ऑल्टरनेटर काम नहीं कर रहा, करते स्टार्ट, और साइन चला गया, इसका मतलब और साइन है, क्योंकि चलते चलते रनिंग में ये साइन आता है। दुनिया की गाड़ी छोड़ के ना कुत्ता मेरी गाड़ी पे चढ़ता है, ये हमारा अल्टरनेटर होता है, यही भाई ने रिपेयर किया उस दिन, मतलब कि साफ आप कहता है, बोले थे एक बार चला के देखो, ये अल्टरनेटर ऐसा बिजली, मतलब कि जनरेटर, मान लो जनरेटर होता है जो बिजली जनरेट करता है, उसका काम होता है मेन बैटरी चार्ज करना, और भी गाड़ी में जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होते हैं उन्हें बिजली प्रोवाइड करना, तो मेन चीज़ ये होता है, अगर ये ख़राब हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है,
और गाड़ी है मेरी ऑटोमेटिक, जिसके कारण मुझे स्टार्ट करो या गर्मी मौसम में स्टार्ट करो ना, तो एक साइन आता है ये CF का। तो ये CF जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट साइन होता है। ये होता है कि आपके इंजन का जो टेम्परेचर है वो अभी कूल डाउन है, तब तक ये चलाना जाए ना तब तक गाड़ी आप मत चलाओ। इंजन गर्म होने दो, फिर चलाओ, फिर ये अपने आप ही इंजन हीट होने के बाद ये ऑटोमेटिक चला जाएगा। किसी किसी गाड़ी में नहीं होता ये सिस्टम, तो वो देखो आप चला गया ना ये, तो इसके अंदर मैं गाड़ी अब चला सकता, तो ये एक से डेढ़ मिनट के बाद चला जाता है। किसी किसी गाड़ी में ये नहीं होता, तो आप एक काम कीजिए, आप एक मिनट से डेढ़ मिनट तक गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दो ना, रेस दो ना कुछ दो, तो गाड़ी इससे इंजन परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। इंजन गर्म होना जरूरी होता है, तभी आप चलो आप चलते हैं इसके, लेते हैं टेस्ट ड्राइव और देखते हैं बैटरी का साइज आता है। तो टाइम तो हो गया काफ़ी और लाइट तो अभी तक आई नहीं ऑल्टरनेटर की, जो बैटरी का सिंबल आता है। चलते हैं अब घर, अब एक दिन इसको लंबा ले जाएंगे तभी पता चलेगा। अब चलते हैं। चलते हैं घर, और गाड़ी में लाइट तो आ नहीं रही है, तो उसे एक दिन ले जाएंगे लंबा, तो फिर पता चलेगा। चलते हैं। कल रात को लेना प्रयोग करने, नानी के घर से प्रयोग के घर गई थी ना, वो आई थी एकदम प्रयोग कर ले रही थी ऋषि का राठौर। अच्छा पल्लो का ऋषि का राठौर मेकअप ले रही थी। हो चुका है 6:45। पियू क्या पी रहे हो? जूस। पियू तो अपना मैंगो जूस पी रही है, और हम खा रहे हैं अपना कॉफी नमकीन बिस्कुट। आप अब जूस, ओहो पियू मैंगो जूस पी लिया। बर्गर लाइए। अरे पियू आज तो बहुत सारा सामान आया खाने वाला। हम जा रहे हैं छत पे लकड़ी लाने, क्योंकि फिर से आज लग रही है दिल्ली में हो गई है ज्यादा ठंड, तो लकड़ी तो आ गई है। अब देखो पियू कैसे कुर्सी लगी अपना, लकड़ी आग जलता है, पियू अपना कुर्सी लेके आ जाती है, आग के पास लगा ली बस और बैठ जाएगी। और पी वो अपना देख रही है मोबाइल। 10:20 अब खाएंगे खाना और सो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो चुका है। और वीडियो मैं कर दूंगा एडिट, कल आपको 9 बजे ब्लॉग मिल जाएगा, तो आप ब्लॉग को एंजॉय करना। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। बाय बाय, शुभ रात्रि। तो आ गए अपने विवेक भाई क्या ये।